वाल्मीकि के घर में अरविंद केजरीवाल ने लगाई सेंध, आप प्रत्याशी ने दर्ज की बड़ी जीत, भाजपा ही हैरान। मथुरा में भले ही जनपद की राजनीति पर भाजपा का वर्तमान में छत्र राज है, लेकिन निकाय चुनाव में भाजपा को 15 निकायों में से सिर्फ 6 में ही कामयाबी मिल सकी है। 9 निकायों में भाजपा को मात खानी पड़ी है। यह स्थिति सांसद हेमा मालिनी, प्रदेश कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित सभी विधायकों द्वारा पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के बाद सामने आई है। मथुरा संसदीय क्षेत्र पर सांसद के रूप में सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी दो बार से काबिज हैं। विधानसभा की सभी 5 सीटें भी भाजपा के खाते में हैं। इसमें छाता के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री भी हैं। सांसद और कैबिनेट मंत्री ने वर्तमान निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। इसके बावजूद चौधरी लक्ष्मी नारायण के विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत छाता बसपा के खाते में चली गई। यहाँ भाजपा की मीनू देवी को हराकर बसपा की लक्ष्मी देवी निर्वाचित हुई है। इसी क्षेत्र में नंदगांव नगर पंचायत में भाजपा की लाजवंती को हराकर राष्ट्रीय लोकदल की मंजू देवी को जीत मिली है। हालांकि जिले की एकमात्र नगर पालिका कोसी कलां भाजपा के खाते में गई है। यहाँ धर्मवीर अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। इसी क्षेत्र के बरसाना नगर पंचायत में आप से विजय सिंह जीते हैं। इसी तहसील के चौमुहा नगर पंचायत में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ निर्दलीय सुषमा सिंह ने भाजपा के बिहारी लाल को हराया है। गोवर्धन क्षेत्र में भी भाजपा के विधायक ठाकुर मेघश्याम का जादू नहीं चल सका है। गोवर्धन नगर पंचायत में निर्दलीय प्रभा देवी को जीत मिली है। हालांकि राधाकुंड में भाजपा से रामफल मुंशी और सौंक नगर पंचायत में भाजपा से योगेश नंबरदार जीते हैं। भाजपा विधायक पूर्ण प्रकाश के बलदेव विधानसभा क्षेत्र की बलदेव नगर पंचायत में भाजपा को मात मिली है। यहाँ निर्दलीय डॉक्टर मुरारी लाल ने भाजपा के मेरुकांत पांडे को हराया है, जबकि राया नगर पंचायत में निर्दलीय राजकुमार अग्रवाल ने भाजपा के राकेश शर्मा को हराया है।